नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए आया हूं दोबारा से मैं आज आपके लिए वो काम करूंगा जो आपने सोची ना होगी आप लोग बार बार कह रहे थे सिंपल स्टेप में वेट लॉस बैली फैट लॉस सब बता दो मुझे तो पहले तो मैं प्रभु को प्रणाम करता हूं श्री राम को प्रणाम करता हूं हम सौभाग्यशाली हैं कि उनके आशीर्वाद हमें मिले हुए हैं तो दोस्तों शुरू करते हैं वेट लॉस कैसे किया जाए प्रभु का नाम लेके और बहुत अद्भुत रहेगा ये सारे आसन करोगे आप और आप इसका अभ्यास 21 दिन में कम से कम करना पाँच किलो तक महीने में वजन कम आपका हो जाएगा लेकिन इसका अभ्यास आपको रोज़ाना करना होगा चलिए सभी विद्यार्थी वज्रासन में बैठ जाएं वज्रासन में बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए घुटने के दर्द वाले थोड़ा सा रेस्ट लें वज्रासन में बैठने के बाद बिल्कुल रिलैक्स बॉडी को रखिए बिल्कुल रिलैक्स और ये खाली पेट करने आपको याद रखना आपको खाली पेट ही ये आसन करने हैं अब इसके बाद आप लोग एक लंबी गहरी सांस लें लंबी गहरी सांस छोड़ें इसका कम से कम चार पांच बार अभ्यास करें पूरी बॉडी को रिलैक्स रखने के लिए सांस भरें सांस छोड़ें सांस भरें सांस छोड़ें बारम बार आपको इसका अभ्यास करना है पूरा बॉडी रिलैक्स पूरा बॉडी रिलैक्स मैं साइड हो गया हूं आप जरा ध्यान से देखिए अब सांस छोड़ के अपनी गर्दन को थोड़ा सा, थोड़ा सा दाएं थोड़ा सा बाएं थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट गर्दन के साथ साथ अब अपने शोल्डर्स को भी थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट ऐसा आपको कम से कम पाँच पाँच बार दस दस बार मूव करना है इससे आपकी स्पाइन में जो भी कंप्रेशन था टाइटनेस थी वो रिलीज़ हो जाएगी लेकिन एक्जेल करके आप करिएगा बहुत ही प्यार से अब थोड़ा सा अपने शोल्डर्स को हाथों को आगे पीछे कर लें ऊपर नीचे कर लें इससे जो शोल्डर के आसपास की सारी मसल्स हैं ना वो खुल जाएंगी तो बेनिफिट फ्रोजन शोल्डर गाड़ी चलाने वाले लोग इन सभी को इसका फायदा मिलेगा अब अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ इंटरलॉक करें फेस ऊपर उठाएं और टाइट करके खींच के रखें काउंट करें थ्री, फोर, सेवन, एट, ऐसे आप काउंट करते रहना है आपको ऊपर नीचे ऊपर नीचे आप ट्वेंटी टाइम्स करें थर्टी टाइम्स करें इट्स अप यू। लेकिन बॉडी को आपको खींच के रखना है एक ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि आपकी मसल्स में जो टाइटनेस है उसको हम पहले रिलीज करेंगे तभी कोई आसन हो पाएगा अब श्वास भर के जैसे पूरी बॉडी को पीछे लेके अच्छा आप ये बताओ ये आसन का नाम क्या है जो इसका आसन का नाम बताएगा उसको इनाम मिलेगा सांस भर के आपको बॉडी को पीछे ले जाना है हाथों को लोअर बैक पे रखना है इनहेल गो बैक और एक्सेल गो डाउन समझ आ रहा है आपको घुटने के दर्द वाले नीचे कुशन लगाना घुटनों के नीचे तभी करना और जिनको नी का रिप्लेस हो गया वो तो बिल्कुल भी ना करना इसका आपको ध्यान रखना है तो पूरी अवेयरनेस लगा के करो इसको आपको 20 से 30 बार एक बार में करना है अब आराम से बैठ जाओ रिलैक्स होके दोनों पैर सीधे कर लिए आह हा हाँ मज़ा आ रहा है ना ये कमर सीधी रहेगी जो वर्क स्टेशन पर काम करते हैं उनके लिए अच्छा है अब जिनको स्पाइडर विने है गोडों में दर्द है वो अपने पैरों के पंजे आगे पीछे करें बीस बार तीस बार चालीस बार जितना हो उतना करें मिनिमम बीस बार तो आपको करना ही होगा स्ट्रेच करें पूरे बॉडी को पैर आगे खींचेंगे तो देखो आपकी काफ मसल स्ट्रेच हो रही है ना आपको इसका अभ्यास रोजाना करना है तुम तो जिनके गोडों में दर्द है श्याटिका है वेरिकोज है वो जरूर करें जरूर करें जरूर करें हाथ थक जाए तो नीचे भी ला सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है अब अपने थोड़ा लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं कोशिश करें कितनी देर होल्ड कर सकता है पांच सेकेंड दस सेकेंड ऐसे दूसरे पैर के साथ कि पांच सेकेंड वो होल्ड कर रहा है दस सेकेंड होल्ड कर रहा है इट्स अप टू यू अब पैरों को मूवमेंट देना चालू कर दो ध्यान देने वाली बात है कि अगर हाथों में दर्द है एक तो होता है मस्कुलर पेन घबराना नहीं हाथ ऊपर रखो पहले तो मैं कहूँगा और अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हिलाओ हिलाने के बहुत सारे फायदे हैं आपके लेग्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही है आप देखो इसे करके मैंने आपको बोला ना इक्कीस दिन रोजाना बताए हुए दस पंद्रह मिनट का सेशन है मतलब आप समझो आपको बीस मिनट देने हैं खाली पेट सुबह करो खाली पेट शाम करो मज़ा आएगा अब ये बोटिंग पोज हो गया आप लोगों को नाम पता था इसका हिंदी में क्या नाम है चलो आप कमेंट बॉक्स में बताना जल्दी से ये है बोटिंग पोस्ट पहले लेफ्ट लेग उठाए फिर राइट right लेग बैलेंस किया तो बैली पर फैट पड़ता है इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट बैली पर पड़ता है थक गए हो नहीं 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 बीस सेकेंड मिनिमम करो रोजाना करो तीन से चार सेट करो बड़ा मजा आता है आराम से बैठ जाओ थक गए हो तो आराम से रेस्ट ले लो थोड़ा सा अब मैं आपको एक आसन बताने जा रहा हूं अए बिल्ली यस मर्जरी आसन अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के नीचे हिप्स के नीचे अपने पैर अब देखो सांस छोड़ के कमर को ऊपर नीचे कर रहे हैं जब हम इनहेल करते हैं तो कमर नीचे आती है एक्जेल करते हैं तो कमर ऊपर जाती है इसी का आपको अभ्यास करना है ऊपर नीचे कम से कम 20 से 30 बार बहुत बढ़िया आसन है जिनको एंक्लोस्पोंडालाइटिस है लोअर बैक पेन है स्लेब डिस्क है बैक पेन है मस्कुलर पेन है वो सारे लोग करें इसको सब रोज़ाना करें अब एक जादू दिखाऊं देखिए मैं ऐसे ही था ना अब एक पैर पीछे ले गया फिर दूसरा ले गया अब इसको बताओ इसको क्या बोलते हैं जल्दी बताओ ऐसे हिप्स ऊपर ले जाना बीच में रखो क्या बोलते हैं जल्दी बताओ जल्दी बताओ कौन जल्दी लिख के बताएगा कौन है अरे हाँ 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 सही पकड़े है ये आसन इसमें बैलेंस रखने से कोर मजबूत होता है शोल्डर मजबूत होते हैं तीस सेकेंड करो पचास सेकेंड करो एक मिनट करो इट्स अप टू यू अच्छा आप कितना कर सकते हो आप अभी कितना कर सकते हो बताना जरा एक मिनट तक कर लेते हो बताओ फिर तो बड़ी अच्छी बात है रोजाना अभ्यास करो बहुत बढ़िया लेकिन पीरियड्स के टाइम पे इसको नहीं किया जाता ये इसकी क्वालिटी है इसको ध्यान रखना अब यही चीज आप रिवर्स में कर दीजिए अब हाथों को पीछे रख के अपने हिप्स को ऊपर उठाइए यहाँ पे भी आप 10 सेकंड 20 सेकंड 50 सेकंड जो आपको होल्ड करने का मन है आप होल्ड करो लेकिन रुकना ज़रूर है ऊपर नीचे बाद में करेंगे थके तो नहीं ना कितने लोग थके जल्दी बताओ गुप्ता जी कर रहे हो ना आप भी हाँ करते रहो करते रहो सर बड़ा प्यारे आसन बता रहा हूँ मैं आपको आप गुप्ता जी अगेन प्लैंक में रखें ना अपने घुटनों को छाती पे लाना है सर पहले ना ट्वेंटी फाइव के ना कम से कम चार सेट करना एक सेट तो ईजीली हो जाएगा दूसरा थोड़ा मुश्किल होगा तीसरा थोड़ा और मुश्किल होगा इसको आपको करते जाना है सर्वाइकल होता है तो फेस ऊपर रखना होता है लेकिन करना रोज़ाना होता है सर ओके सर इसका एडवांस वर्ज़न है लेकिन एक महीने तक आप इसी वर्ज़न को करना लेकिन मैं एडवांस थोड़ा सा आपको बताता हूँ ध्यान से देखो अगेन गई प्लैंक में अब अपने जो घुटने थे ना उसको अपोजिट साइड में लेके जाना यानी अपोजिट हैंड की एल्बो के पास आपको समझ आ रहा है हाँ फेस को ऊपर रख लेना अगर आपको सर्वाइकल होता है तो आप ऊपर भी रख सकते हैं गर्दन पे प्रेशर नहीं पड़ेगा ये भी ट्वेंटी फाइव के फोर सेट करने होते हैं लेकिन एक महीने के बाद आप लोग करना बहुत फायदा आएगा आपके पेट में ना मज़ा आ जाएगा जो एक्स्ट्रा फैट फंसा हुआ था अब एक और चीज़ बात अपना लेफ्ट लेग आगे लाओ लिया लेग अब दोनों हाथ इसके बराबर में रख दो ऐसे हाँ, स्माइल का है आपकी जल्दी स्माइल लाओ अब यहां पर अपने हिप्स को अप डाउन अप डाउन करना है ध्यान रखना जिसको गोड्डो में पेन रहता है नी पेन है वो घुटना पीछे वाला जमीन पर रखेंगे नी के नीचे कुछ लगाएं और कभी भी अपने घुटने को आगे वाला जो घुटना है उसको अंगूठे से आगे ना आने दें अब यहाँ पे आपको होल्ड करना है आधा मिनट एक मिनट इस आसन का नाम बताओ हम्म अब अपने हैंड को ऊपर उठा लो फिर दूसरी तरफ उठा लो ऐसे अप डाउन अप डाउन करते रहो ये आपको ट्वेंटी के थ्री सेट्स करने हैं तो साइड का जितना भी फैट है सब दूर हो जाएगा अब अपने हिप्स को अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन इतना आराम से करना है कोई मुश्किल काम है आप ही बताओ नहीं है ना बस ऐसे ही करते जाना है ऐसे ही करते जाना है जब थक जाओ तो लेग चेंज कर लीजिएगा सेम होल्ड करो कुछ देर के लिए होल्ड किया मज़ा आ रहा है ना इनर थाइस कम हो रही है ना यही इक्कीस दिन करोगे ना तो पी सी ओडी पी सी एस लुकेरिया ये सब ठीक हो जाएगा मैं आपको काम की बात बताऊंगा हिप्स अप एंड डाउन अप डाउन अप डाउन करते रहो करते रहो स्माइल खाए आपके यस इसके बाद सिंगल सिंगल हैंड अप डाउन, अप डाउन अप डाउन आपको करना है और इसका अभ्यास रोजाना करना है रुकना तो आपको है ही नहीं पूरा अभ्यास करने के बाद थक गए होंगे थोड़ा सा आ हा 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 हाँ थक गए नहीं थके अरे वाह तो फिर माउंटेन कोवरे स्टार्ट करो नीचे गए ऊपर उठाया हिप्स जब नीचे हिप्स जाता है तब इनहेल होता है ऊपर हिप जाता है तब एक्जेल होता है तो इसको बोलते हैं माउंटेन गोबरा ट्वेंटी के थ्री सेट्स करने हैं लेकिन पहले वीक तो दो बीस ही करो दूसरे वीक भी बीस करो तीसरे वीक बीस के गुणा में चार कर देना या दो कर देना वो आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है रोजाना अभ्यास करो वेट लॉस तो आपका हो जाएगा ये सारी चीजें करो वजन कम और आप हिट शेयर कर देना नमस्कार